तो ये क्या टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइगर डियर की आवाज या सांबर की आवाज या गाय की आवाज निकाल सकता है? नहीं सर, असंभव। उसका टारगेट क्या है, बच्चों को ढूंढ रही है या मेल को बुला रही है? सिमिलरली बच्चे जब अपनी माँ को आवाज दे रहे होते हैं तो उनकी आवाज अलग होती है, और बच्चा जो अपनी माँ को बुलाने के लिए अलग आवाज कर रहा है, उन साहब ने दोनों को मिक्स करके कि ये देखो डियर की मिमिक्री वो कर रहा है, ना किसी ने देखा कि टाइगर मिमिक्री कर रहा है किसी की, ये फालतू की बात है। उन साहब ने जो ना ये ठीक नहीं किया जो किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी की दोस्तों? सो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, आधी वीडियो मैंने कल बना दी थी, आधी वीडियो बस अभी जस्ट बना के मुझे कहीं निकलना था तो सोचा कि अपलोड करके चले जाऊँ। सो अभी कल मेरे को एक वीडियो आई थी, मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी, किसी ने कुछ रिप्लाई किया था, सोचा कि मैं उसका रिस्पांस देके चले जाऊँ। ये मेरा फाइनल एंड लास्ट रिस्पांस है। वैसे तो ये वीडियो बनाने का कोई मकसद था नहीं, बट कुछ ऐसी चीज़ें वीडियो पे कही गई थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर और बाकी सारी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बता के जाऊँ। सो जिन लोगों को इस वीडियो के बारे में अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो या तो पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकते हो जिसके ऊपर हमने बात करी थी। तो कंटिन्यू करते हैं कि ये बात थी, हमने परसों एक वीडियो डाली थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे किसी क्रिएटर ने वो वीडियो यूज़ करी थी विदाउट परमिशन, और जिसके बाद हमने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था और वो वीडियो डिलीट हो गई थी। सो कल एक रिस्पॉन्स आया था उन क्रिएटर की तरफ से, जहाँ पे थोड़ी चीज़ बताई थी लेकिन थोड़ी चीज़ छुपाई भी थी। तो मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ें एक बार पे क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। हालांकि मेरी आपसी में कोई इनसे कोई शिकवा गिला है नहीं, मैंने लास्ट टाइम पे भी बहुत तमीज़ से बात करी थी, आप करके बात करी थी, सर जी से करके बात करी थी, और अभी भी तमीज़ से मैं बात कर रहा हूँ। और शायद से इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट दिखाया था जहाँ पे तुम्हारा कुछ लिखा था। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे आप और तुम्हारे को भी रेस्पेक्ट से ही दिया जाता है, जैसे मैं कहूँ तुम्हारे घर पे कैसे, तुम्हारे गांव वाले कैसे, तो एक रेस्पेक्ट की तरीके से लिखे जाते हैं। बट शायद से इन क्रिएटर को वो बात बुरी लग गई होगी। एनीवेज, जो भी है, तो बात पॉइंट इतनी सी है, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एज़ बीइंग ए सच ए बिग क्रिएटर, जिनके ऊपर ये वीडियो बनाई गई थी, जिनके ऊपर ये कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा था, क्योंकि वो वीडियो जो थी विदाउट परमिशन यूज़ करी गई थी। सो उस चीज़ का मेरे को बुरा भी लगता है, लेकिन वो चीज़ बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद भी उन्होंने डायरेक्टली मुझसे परमिशन मांगी नहीं या तो मुझे क्रेडिट दिया नहीं। चलो छोड़ो, ये बात की बात है, लेकिन अभी कुछ पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इन क्रिएटर ने कहा था कि तीन ऐसी चीज़ें बोली है जो शायद से एज़ बीइंग ए सच बिग यूट्यूबर मुझे नहीं लगता था कि क्रिएटर टू क्रिएटर इस तरह की बात करी जा सकती है, कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बहुत तमीज़ से बात करी थी और अभी वाले वीडियो में भी काफ़ी तमीज़ से मैं पेश आ रहा हूँ, जहाँ पे इन्होंने जो कुछ रेफरेंस दिया था, मैंने तीन चीज़ हाईलाइट करी है, और हाईलाइट इसलिए करी है ताकि समझ सके कि इस तरह क्यों रेफरेंस दिया गया। पहली चीज़ इन्होंने बताया था, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ गिरेगा, मतलब बात हमारी हो रही थी तो रेफरेंस भी हमारे ओर ही दिया था, तो वो चीज़ मेरे को बुरी लगी। एज बीइंग ए क्रिएटर आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए सामने वाले क्रिएटर की, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं भी अगर ऐसे कुछ कहूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा। एनीवेज, दूसरी पॉइंट पे आप चलते हैं। दूसरी पॉइंट पे आपने ये कहा था कि ये आदमी गंदा है, आपने डायरेक्टली एक इंसान के कैरेक्टर पर ये बोल दिया कि ये आदमी गंदा है और शातिर है। और तीसरी चीज़ जो आपने अब कही थी, मरे हुए कुत्ते पर पत्थर कोई नहीं मारता, तो मुझे नहीं लगता किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आप भी देख रहे हो, ऑडियंस भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो सभी के पास जाती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, किसी का सही रहता है, किसी का गलत रहता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था, मुझे लगता है कि एज बीइंग ए क्रिएटर, अगर जब मैं यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेस्पेक्ट काफ़ी दी थी, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं करी थी, और इवन मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी यही कहा था, 480,000 सब्सक्राइबर सच ए बिग काउंट और हैट्स ऑफ टू यू, ऐसा नंबर सबके लिए पॉसिबल नहीं होता अचीव करना। मैंने सारी चीज़ अच्छी के लिए कही थी, कोई चीज़ आपकी मैंने बुराई नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आपने ये तीन चीज़ मेरी उठा के ऐसे ऐसे बोल दिया जो मेरे कैरेक्टर को डिफ़ाइन कर रहे, जो आपकी तरफ से मेरे को लगा गया। तो मुझे नहीं लगता कि एज़ बीइंग ए बिग क्रिएटर सर आपको ये बोलना चाहिए था, क्योंकि हम तो अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं और तमीज़ भी रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि सर आप इस तरह की शब्द दोबारा कभी किसी क्रिएटर को बोले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सर आप सीनियर हो, अगर हमसे कोई गलती होती है तो सीनियर सिखाते हैं, अगर सीनियर से कोई गलती होगी तो फिर क्या करेंगे सर।
तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी क्रिएटर के बारे में बोले तो इस तरह के रेफरेंस ना दें। आई एम श्योर आपको भी कोई बात बुरी लगी होगी जिस कारण से आपने वो वीडियो बनाया होगा, बट मेरा पॉइंट भी सही था सर, मैं भी कोई अपनी जगह पर गलत नहीं था क्योंकि वो वीडियो मेरी थी। आपने बोला अपने रिस्पॉन्स वाले वीडियो में कि कॉपीराइट के फेयर यूज़ की तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं वीडियो अगर हम वॉइस ओवर करें। सर आप भी सीनियर हैं, आप ही बता रहे हो सीनियर हो, आपको तो इतना तो पता होना चाहिए सर कॉपीराइट का मतलब कॉपीराइट होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। कॉपीराइट का मतलब अगर आपने परमिशन नहीं ली है और आप भले ही वॉइस ओवर कर रहे हो और ओरिजिनल वीडियो ओरिजिनल जो आवाज़ है वो भी काट रहे हो, तब भी आपको किसी भी हालत में परमिशन लेनी चाहिए सर। कॉपीराइट हर चीज़ पे पड़ती है। चलो ये कॉपीराइट की बात थी, ये मेरे को क्लियर करनी थी ताकि ऑडियंस को भी समझ आ सके किसी की भी वीडियो इस तरह बिना परमिशन के नहीं ली जाती। आपने जस्टिफाई किया कि आपको वीडियो किसी ने सेंड करी थी और आपने वो दिखाया भी था, जो चीज़ मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि चलो आपने वो दिखाया कि आपको किसी ने भेजा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा था वो वीडियो डाउनलोडेड थी, मतलब डाउनलोड फाइल आपको सेंड करी थी, ना ही वो रील का लिंक सेंड किया था। रील का लिंक सेंड करते तो आपको शायद से पता चल जाता वो मेरी वीडियो थी, लेकिन आपको शायद से उस टाइम पे नहीं पता चला हो कि वो वीडियो हमारी थी। आपको डाउनलोड फाइल आपको सेंड करी थी, उन्होंने ये लिखा था कि ये देखिए डियर की आवाज़ निकाल रहा है ये टाइगर, आपने देखा तो आपने उस वीडियो पे देखकर एज्यूम कर लिया कि टाइगर मिमिक्री कर रहा है और डियर की आवाज़ निकाल रहा है और आपने वो वीडियो बना दी। चलो ये वीडियो बनाई तो बनाई, लेकिन आपने इस तरह क्यों सोचा सर कि कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि आपने वॉइस ओवर करा है? सर आप तो इतने मैच्योर हो, आपको तो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। सर कॉपीराइट का मतलब होता है अगर आपका कोई कंटेंट नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, आप वॉइस ओवर करो कुछ भी करो आप नहीं डाल सकते। चलो आपने बोला कि आपको पता नहीं था, आपको फाइल मिली आपके सब्सक्राइबर से, क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश करी आपके सब्सक्राइबर से कि ये वीडियो किसकी है, किसने भेजी है, कहाँ की वीडियो है, कौन सा टाइगर है, क्या सिचुएशन है? ये चीज़ मेरे ख्याल से आपने जानने की कोशिश नहीं करी और आपने सीधा जाके वीडियो बना दी, वो मेरे ख्याल से गलत था। और रही बात मैं देखा जाए तो आपके सब्सक्राइबर जो है जिनके पास ये वीडियो आई है उन्होंने भी वीडियो हमारी से ली होगी या उनको भी किसी से सेंड करी होगी। इसका मतलब यह है कि सर आज की डेट में भी हमारी वीडियोस इतनी वायरल होती है या लोगों के पास जाती है, आपके सब्सक्राइबर्स के पास भी जा रही है, और वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि उन्होंने भी देखा होगा कि क्या वीडियो मिली है और उन्होंने भी वो वीडियो आपको दे दी ताकि आप वीडियो बना सकें, और आप भी इतने इम्प्रेस हो गए उस वीडियो को देख के कि आपने वो वीडियो बना दी आपका पर्पस सॉल्व करने के लिए। हालांकि वो जो पर्पस जिस वे में सॉल्व किया था वो गलत वे में सॉल्व किया था, अगर आप मेरे को बताते तो, अगर आप मेरे से पूछते या अपने सब्सक्राइबर से पूछते तो वो शायद से बता पाते। अगर उनको भी नहीं पता कि वो डाउनलोडेड फाइल, उनको भी डाउनलोडेड फाइल मिली है, तो फिर सर मैं ये तो यही कंसिडर करूँगा कि हमारी वीडियोज़ हर जगह जाती है, और मैं खुश हूँ कि आपने वो चीज़ यूज़ करी। मैं प्राउड फील करता हूँ कि भैया मेरे वीडियोज़ बड़े बड़े जो चैनल के लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं एज ए रेफरेंस, बट आपने जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया ना वो चीज़ गलत थी सर, क्योंकि जिस वीडियो के बारे में हम ये बात कर रहे हैं ये वीडियो थी रणथंभौर जोन नंबर 3, जो ऑलरेडी मैं सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन पहले दे चुका हूँ, और सर आपको अच्छे से पता है वो टाइगर जो है मदर को कॉल कर रहा था, पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे, फिर भी आप उसी चीज़ में अड़े हो कि नहीं ये टाइगर जो है डियर की आवाज़ निकाल रहा था। चलो आप कह रहे हो डियर की आवाज़ निकाल, तो जो भी है, लेकिन उस सिचुएशन में सर जिस सिचुएशन में मैं था उस सिचुएशन में वो टाइगर को मैं देख रहा था, उस सिचुएशन में मैं था, वहाँ पे मैं कैप्चर कर रहा था, मुझे पता है कौन सा टाइगर है, क्या हो रहा है, और अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा? और यही चीज़ मैंने आपको ही बताई थी कि ये कब है सर, 9 महीने का कब है, ना कि सबडल टाइगर है। सबडल टाइगर की कोई बात ही नहीं हुई थी, आपने सबडल टाइगर की बात करी, रोर करता है, उसका तो कोई मतलब था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये 9 महीने का बच्चा था, 9 महीने का बच्चा तो सर कभी होता है ना, तो मेरे ख्याल से कब, अगर वहाँ पे अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको भी समझ आ गया होगा कहीं ना कहीं, तो आपको भी पता है कि सर वो चीज़ गलत थी जो आपने कह दिया। चलो आपने वो कह दिया तो कह दिया, वो चीज़ वापस तो नहीं हो सकती, बट मेरे को ऑडियंस को बताना था कि ये वीडियो हमारी है और विदाउट परमिशन यूज़ करी गई थी। इनफैक्ट जब मैंने आपको बताया था आपने शायद से बिलीव नहीं किया, आपने कहा कि मेरी क्रेडिबिलिटी आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन सर अब तो आपको भी मानना पड़ेगा, अगर आपने अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए हमारी वीडियो उठाई है तो मेरी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं तो अच्छी खासी है। चलो आपकी नज़र में नहीं होगी लेकिन लोगों के नज़र में तो है। और एक और चीज़ आपने कही थी सर, आपने ये मेंशन किया था कि जंगल सफारी करते हैं, 16 वीडियो डाले थे
तो मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि आपके चैनल पे टोटल सफारी के व्लॉग्स कितने हैं, कितनी बार आपने इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट्स देखी है, ऑब्जर्व करी है जंगल जाके, ताकि आपने जो जो एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है वीडियो के थ्रू, तो मुझे पता चल सके। मुझे लगा कि कम से कम 100-150-200 तो सफारी शायद से आपने करी होगी, व्लॉग में दिखाया होगा। तो इनफैक्ट मेरे को 16 ही दिखे थे, तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया था कि 16 सफारी में क्या हम टाइगर के बिहेवियर को देख के समझ सकते हैं, वहाँ पे जाके देख के अगर दिखता भी है 16 के 16 में भी दिखता है, तो 16 बार भी टाइगर को देखने के बाद भी क्या उसके बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो भी मैं थोड़ा क्वेश्चन में था। इनफैक्ट जब मैंने आपको बोला था कि सफारी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया था हर दूसरे महीने में मैं सफारी करता हूँ और कई सारी सफारी होती है, तब जाके हमें इस तरह की साइटिंग मिलती है और तब जाके हम उस वाइल्ड एनिमल को स्पेशली चाहे वो टाइगर हो कोई से भी एनिमल को उनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं। तो आपने कहा था बच्चा अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बिल्कुल सही कहा सर, कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। बाहर दुनिया में आने के बाद किताब की नॉलेज आपने ली, चलो ठीक है, किताबी नॉलेज भी सारी नहीं होती सर, ग्राउंड रिपोर्ट भी कुछ होती है जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे वाइल्ड में जाके, जो कि मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट फेयर था, आपका पॉइंट आपकी जगह फेयर होगा क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आपने जो रिटन बुक्स है, जो बड़े बड़े दिग्गज है जिन्होंने बुक्स लिखे हैं, उनकी बातों को भी मैं रॉन्ग प्रूफ नहीं करूँगा, बट जो चीज़ मेरे सामने हुई है उस चीज़ के लिए तो मैं स्टैंड कर सकता हूँ एटलीस्ट सर। अगर ये किसी और की वीडियो होती तो मैं बोल सकता था कि भैया हाँ ठीक है, होगा ऐसे कि आवाज़ निकाल रहा होगा या मुर्गी की आवाज़ निकाला होगा या किसी की भी आवाज़ निकाल रहा होगा, मैं मान लेता हूँ, बट जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ मैंने कैप्चर करी है, तो इस चीज़ के लिए तो मैं स्टैंड ले सकता हूँ सर, क्योंकि वो वीडियो मेरी थी, मैंने शूट किया था वहाँ पर। तो इस चीज़ को मैं वहाँ पर आपको करेक्ट करूँगा, बुरा मत मानिएगा सर, छोटा यूट्यूबर हूँ लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम भी रखते हैं, ठीक है। भले ही आपने ज़्यादा ज्ञान दिया होगा लोगों को, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की इन्फॉर्मेशन आपको बेशक होगी, बट हम भी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, अगर जो चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते भी है। तो मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी सर, बड़ी दिक्कतों की किताबें ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी, बट मैंने वाइल्ड में जाके एक्सपीरियंस ज़रूर लिया है सर, वहीं से मेरे को एक्सपीरियंस मिला है और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी बार भी जाओ और एक्सपीरियंस बढ़ता रहे। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास भी एक्सपीरियंस बहुत कम है, आपने भी कहा था वाइल्ड लाइफ ऐसी एक चीज़ है जितनी भी सीखो उतनी कम है, सही बात कहा सर, जितनी भी सीखो उतनी कम है, इसलिए मैं बार बार जंगल जाता हूँ और इस तरह की एनिमल्स की साइटिंग्स देखता हूँ ताकि उनके बिहेवियर को नोटिस कर सकूँ और अपने वीडियो में शूट करके लोगों को दिखा सकूँ। तो शायद से मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, मेरी वीडियो, मेरी मेहनत, मैंने सफारी में गया, सारी चीज़ मैंने किया, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाए तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लग जाती है। और ख़ास करके अगर कोई कहे कि टाइगर मिमिक कर रहा है, वो कर रहा है, सर बाकी ये हो कि टाइगर के बारे में आप कुछ भी बोलिए, टाइगर डांस कर रहा है, टाइगर मिमिक कर रहा है, सांभार की आवाज़ निकाल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। बात शुरू भी हमारे वीडियो से हुई थी और यहाँ पे अभी जो आई है ये भी हमारे वीडियो के ऊपर ही आई है, हमारी वीडियो यूज़ करी गई थी, फेयर यूज़ नहीं था, आप मुझे बताते, परमिशन मिलती, वहीं पे बात ख़त्म हो जाती। और आपने एक और पॉइंट रखा था आपने एंड से, तो मुझे ठीक नहीं लगा, पता नहीं वैलिड नहीं था, बट फिर भी आप बता रहे तो बोल देता हूँ। आपने कहा 365 दिन में से आप 300 दिन जंगल में रहते हो, ऑब्वियसली आप जंगल में रहते हो, वहाँ पे आपका रिजॉर्ट है, मुझे भी पता है, मुझे भी किसी ने सब्सक्राइबर ने बताया था कि आपका रिजॉर्ट जंगल साइड में, बट जहाँ तक मुझे पता चला कि ये बफर साइड के बाहर वाले साइड में है या बफर साइड में भी हो सकता है, लेकिन जो मैं सफारी करता हूँ ना सर, जो आप पैसे की बात करते, हालांकि मैंने पैसे की बात ये कहा था कि सफारी में अगर जाते हो तो पैसा खर्च करना पड़ता है, हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि मैं अमीर हूं या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है, बट मैं कोशिश करता हूं जितना भी अपना बिजनेस से कमाता हूं मैं वाइल्ड लाइफ में खर्च करता हूं, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस होते हैं, जो टाइगर अटैक विक्टिम्स होते हैं, स्लॉथ बियर अटैक विक्टिम्स होते हैं, उन लोगों को जाके मदद करता हूं पर्सनली अपने जेब से। तो मुझे नहीं लगता सर मैंने कुछ गलत किया है। और आपने कहा 365 दिन में से 300 दिन आप जो है जंगल में रहते हो, तो आई एम श्योर आपने कई सारे वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट देखी होगी और साथ ही साथ में आपने इस तरह की मूवमेंट्स भी कभी ना कभी कैप्चर करी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सर अगली बार आप रेफरेंस लोगे ना, तो जैसा कि आप जंगल में रहते हो तो आई एम श्योर आपको इस तरह की मूवमेंट्स आपको दिख जाती होगी, नहीं दिखती है तो सर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको यही बोल रहा था, क्योंकि जिस जगह पर हम जाते हैं टाइगर को खोजने के लिए वो कोर एरिया है सर, समझो आप मेरी बात, आपको भी पता है कि कोर एरिया में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट रहती है, जहाँ पे साइटिंग इस तरह की मिलती है। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि
मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह में कवर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोर एरिया कवर करता हूँ जहाँ पे मुझे इस तरह की साइटिंग मिलती है, और कई बार सफारी करने के बाद इस तरह की साइटिंग मिलती है सर। थोड़ा सा क्रेडिट और थोड़ी सी इज्जत मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मैंने वो कॉन्टेंट बनाने में मेहनत करी है, आप भी मानोगे सर। और इसके अलावा मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने वो मिमिक्री वाली बात करी है, तो जिस जंगल की ये बात है तो वहाँ पे कुछ नेचुरलिस्ट है जिनके साथ मैंने कल ये बात रिकॉर्ड करी थी, वो मैं अभी ऐड कर दूँगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एज ए एक्सपर्ट जो ये बात उठी थी कि मिमिक्री कर सकता है नहीं कर सकता, तो मैंने बस इसी चक्कर में उनसे कुछ बातें पूछ ली। अब ये जो ओपिनियन है ये इन लोग का ओपिनियन है जो जंगल में आज से नहीं बचपन से है, और कई सारे लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने इस तरह के एक्सपीरियंस शायद से शेयर करा हो, शायद से इस तरह के एक्सपीरियंस उन्होंने देखा हो या नहीं देखा हो, जो भी होगा मैं इनसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। ये जो रिप्लाई देता है ये इनका रिस्पॉन्स होगा, मेरा फेयर यूज़ होगा कि मैं इनसे डायरेक्टली सवाल पूछूंगा। बाकी इनकी नॉलेज कितनी है या आपकी नॉलेज कितनी है इस चीज़ में मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाकी मेरा काम था जस्टिफिकेशन देने का, जो चीज़ बुरी लगी थी वो चीज़ मैंने बता दी। आई एम श्योर आपको भी कोई चीज़ बुरी लगी होगी, लेकिन अगर आप उस टाइम पे वह इंस्टाग्राम में अगर ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कहा था कि आप तुम पे आ गए, तुम्हारे पे आ गए, अब तू का आके वेट करूँ क्या, या गाली आने का वेट करूँ क्या, या स्क्रीनशॉट लेके। तो सर जल्दी से दो तीन बातें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो रिप्लाई किया, आपने जो रिस्पॉन्स किया उसमें से दो तीन चीज़ें जो है मिसिंग थे, जो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए था ऑडियंस को, या शायद आप भूल गए होगे या आप बताना नहीं चाहते। एनीवेज जो भी है वो चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपने जब इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाली थी तब मैंने आपको मैसेज किया था, ये पहले तो कंटेंट का जो है आपको क्रेडिट देना चाहिए, उसके बाद मैंने ये भी कहा था ये मिमिक्री नहीं कर रहा, ये कब जो है अपनी मदर के लिए कॉल कर रहा था, तो आपने मुझे बताया था कि कप्स डोंट कॉल मदर। सर जब मैंने आपको बताया था कि कप्स कॉल करते हैं, और ये आपको भी अच्छे से पता है कब कॉल करते हैं, छोटा बच्चा भी बता देगा, टाइगर का बच्चा अपनी मदर को कॉल करता है, क्यों अपने रिस्पॉन्स वाले वीडियो में आपने ये चीज़ हाईलाइट नहीं करी? जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी तब आपने ये चीज़ हाईलाइट क्यों नहीं करी? लोगों को क्यों नहीं बताया कि तो वहाँ पे अगर आप बताओगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा नीचे हो जाओगे या आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो गई? ऐसा कुछ नहीं है सर, गलतियाँ हर इंसान से होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी हो सकती है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है सर, मेरा मानना ये है। और जहाँ तक कि आप बात करें, आपने एक दो चीज़ें उठाई थी लेकिन पूरा सेंटेंस लोगों को बताया नहीं था, तो मैं वो पूरी चीज़ें बता देता हूँ। आपने अपने ऑडियंस को कहा कि मैंने आपको ऐसा कहा कि आपने मेरी वीडियो जो है डाउनलोड करी है, क्यों आपने पूरा सेंटेंस लोगों को नहीं बताया सर? अगर आप में से ऑडियंस कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने साफ साफ बताया था या तो आपने मेरी वीडियो डाउनलोड करी है या तो आपको किसी सब्सक्राइबर ने आपको भेजी है, तो क्या आपने पता करने की कोशिश करी थी कि वीडियो कहाँ की है, कौन से टाइगर की है, क्या सिचुएशन थी? ये चीज़ आपने जानने की कोशिश नहीं करी, तो वो चीज़ सबसे गलत थी। आपको पता करना चाहिए था वो वीडियो कहाँ की है सर। और रही बात कप्स के बारे में, जो आपने बताया नहीं वो मुझे लगता नहीं था कि ठीक था, आपको सारी चीज़ बतानी चाहिए थी, एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ आप उठाओगे तो इस तरह तो मैं ही गलत दिखूंगा ना सर। आप पूरी चीज़ दिखाओ ना लोगों को, मैं तो पूरी क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा था, मैंने लास्ट टाइम में प्रूफ भी दिखाया था, इस टाइम में भी सारी चीज़ें मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, कोई बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा ना अपने एंड से, या गलत तो नहीं बोल रहा, जो चीज़ थी वही मैंने आपको बोली है। लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ बुरी लग गई तो इसमें मैं अब क्या बोलूँ सर? अगर आपको चीज़ बुरी लगी है, इनफैक्ट बुरी तो मेरे को लगनी चाहिए थी, आपने बोला कि मैं शातिर हूँ, सर शातिर वाला काम तो आपने किया है, आपने क्या है छोटी छोटी चीज़ें निकाल ली पूरे वीडियो से और आपने ऑडियंस को दिखा दिया, ऐसे तो मैं बुरा बन गया ना, शातिरपंथी तो आपने करी, तो आप मुझे गंदा बोल रहे हो, आप मुझे शातिर बोल रहे हो, आपने बोला कीचड़ में पत्थर मारेगा तो कीचड़ वापस ऊपर तुम्हारे पे आएगी, मरे हुए कुत्ते पर पत्थर मारोगे, सर मुझे नहीं लगता कि एज सच ए बिग यूट्यूबर आपको ये शोभा देता है इस तरह के बातें इवन करने की, क्योंकि मैंने कोई अपशब्द नहीं यूज़ करा आपके लिए भी, ना मैंने आज तक किसी के लिए यूज़ किया, और ना ही मेरा ये नेचर है, मैं जो बात होती है मैं सीधी बात करता हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, और गलत चीज़ होती है तो मैं सीधा बोलता हूँ, चाहे 10 बंदे खड़े हो सामने, 1000 बंदे खड़े हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो कमेंट आए या नहीं आए, अगर मैं सही हूँ सर मैं सीधी बात करता हूँ। आई होप आपको भी समझ आता होगा कि अगर आपकी कोई बात मैं टकरा दूँ या आपको मैं ब्लॉक कर दूँ आपको कैसा लगेगा, या आपको मैं कुछ गलत बोल दूँ, या मैं बोल दूँ कि गोबर में पत्थर मारोगा तो गोबर अपने मुंह पे लगेगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगे ना इस तरह के रेफरेंस अगर मैं आपको दूंगा, तो सेम चीज़ एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एज बीइंग ए क्रिएटर, आपको दूसरे क्रिएटर की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं भी करता हूँ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, और मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपने नोइंगली या अननोइंगली भी कहा है
तो मेक श्योर सर इस तरह की बातें आप दूसरों क्रिएटर को कभी मत बोलना, एज ए रेफरेंस के लिए भी अच्छा नहीं लगता सर। ये थर्ड क्लास वाली लोगों वाली बात है जो आपके मुंह से निकल गई होगी, चलो कोई बात नहीं, बट अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह की बात करें। हम भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी रेस्पेक्ट करें। आपका कंटेंट आपकी जगह है, हमारा कंटेंट हमारी जगह है। बाकी जो चीज़ थी वो मैंने आगे डिफरेंस कर दिया, क्लियर कर दिया। सो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रणथंबोर के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नेचुरलिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे टाइगर के बिहेवियर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सतीश जी, एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी जनता को दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम सतीश जैन है, मैं 1997 से रणथंबोर में एज ए नेचुरलिस्ट नेचर गाइड के रूप में काम कर रहा हूँ, और पूरा समय मेरा जंगल में ही बीतता है लगभग, और पूरी जिंदगी हमने जंगल को ही दी है। वाइल्ड एनिमल को, स्पेशली टाइगर बिहेवियर को बहुत नजदीकी से हम लोगों ने देखा है और स्टडी किया है। हमारी एक वीडियो थी जहाँ पे रणथंबोर की जोन नंबर 3 की रिद्धि अपने बच्चों के साथ आ रही थी, तो वहाँ पे एक कब जो था रिद्धि का, तो वो अपनी माँ से थोड़ा बिछड़ गया था, जिसके ऊपर हमारे किसी एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई है, कहा कह रहे हैं कि ये देखो ये डियर की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये क्या टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइगर डियर की आवाज़ या सांबर की आवाज़ या गाय की आवाज़ निकाल सकता है? नहीं सर, असंभव है। एक्चुअली देखिए क्या है कि हर जानवर का एक अपना कम्युनिकेशन मेथड होता है जी, अपना एक लैंग्वेज होता है जी। तो बच्चे माँ को, माँ से बिछड़ जाते हैं और माँ को रहते हैं, माँ को आवाज देते हैं, उस समय उनका जो है टोन अलग होता है। सिमिलरली जब माँ बच्चों को आवाज देती है, उस समय उसकी जो लैंग्वेज है, उस समय उसका जो टोन होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रोअर की, वो डिफरेंट होती है। और जब वो अपने मेट को ढूंढती है, मेल टाइगर को, तब उसकी आवाज डिफरेंट होती है। अब ये आवाज को पहचानना जो है ना, वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के बस की बात है, हर आम आदमी को नहीं जान सकता। जिसने किसे देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है, वही इन चीजों को सकता है कि वो जो है अपनी बच्चों को बुला रही है या अपना मेट ढूंढ रही है। उसका बिहेवियर जो है ना, वो दिखा देता है, उसका स्टाइल, तमाम चीजें शो करती है कि वो एक्चुअली उसका टारगेट क्या है, बच्चों को ढूंढ रही है या मेल को बुला रही है। सिमिलरली बच्चे जब अपनी माँ को आवाज दे रहे होते हैं, तो उनकी आवाज अलग होती है। वैसे टाइगर आ जाएगा, दोनों बच्चे आपस में झगड़ेंगे, तब उनकी आवाज अलग होगी। जब बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, वो जब आवाज करेंगे, उनकी आवाज अलग टाइप की होगी, और जब बच्चे माँ को आवाज देंगे तो अलग टाइप की आवाज होती है। बाकी ये मिमिक्री वाली बात कि टाइगर जो है गाय की मिमिक्री कर लेता है, स्पॉटेड डियर की मिमिक्री कर लेता है, वो जो वीडियो आपका जो दिखाया गया, उसमें एक्चुअली डियर खुद आवाज कर रहे हैं। उस बच्चे को देख के जो डियर कॉल कर रहे हैं, और बच्चा जो अपनी माँ को बुलाने के लिए अलग आवाज कर रहा है, उन साहब ने दोनों को मिक्स करके कि ये देखो डियर की मिमिक्री वो कर रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने वो अभी जैसे ही मेरे पास वो वीडियो आया, मैंने हमारे गाइड के ग्रुप में उसको शेयर किया, तो सभी गाइड आश्चर्यचकित हुए कि ये कौन सा आ गए, क्या कह रहे हैं, ये समझ नहीं आया बात, क्योंकि हमने भी हमारे जीवन में नहीं सुना, ना किसी ने देखा कि टाइगर मिमिक्री करता है किसी की। ये एक फालतू की बात है, उन साहब ने जो है ना ये ठीक नहीं किया जो किया है। तो सर आप कह सकते हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, करीबन 4,80,000 सब्सक्राइबर वाले उनका चैनल है, और ऐसे प्लेटफॉर्म में आके इतना बोल्ड स्टेटमेंट देना सही है या गलत है, आप ही बताएं सर। सर देखिए क्या है कि ऐसी झूठी अफवाह फैलाना बिना एक्सपर्ट एडवाइस के, आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा क्या? अगर वो लैब में काम करते हैं तो ये उनका फर्ज बनता था कि इस चीज को ऑथेंटिकेट तो करते, पूछते तो थे एक्सपर्ट्स को कि भैया एक्चुअली में ये जो है सच है झूठ है, तब बात समझ में आती। अब इंडिया में मैं अकेला एक्सपर्ट नहीं हूँ, वाइल्ड लाइफ में काम करने वाले हजारों लोग हैं मेरे जैसे, मगर आप किसी से पूछो टाइगर कोई मिमिक्री नहीं करता है, वो उस बात को गलत दिशा में ले गए। अब उनका उसके प्रति इंटेंशन क्या था, ये वो क्या चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना है या अफवाहें उड़ाना है या किसी को नीचा दिखाना है, क्या है ये वही जाने। इन्होंने ये भी बताया था कप्स जो है मदर को नहीं बुलाते हैं, कप्स मदर को नहीं बुलाते, नहीं बुलाते, ऐसा कहा बात
कब से अगर मासूम उस आवाज देंगे वो। अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ एक दिन क्या हुआ, रिति जो है राजबाग में किल करके अपने बच्चों को लेने के लिए पद्म तलाव की तरफ आई। ओके, दो बच्चे उसको मिल गए, तीसरा बच्चा मीनवाइल जो है वो दूसरी तरफ चला गया था पद्म तलाव के दूसरी तरफ, वो उसको मिला नहीं, तो वो उन दोनों बच्चों को लेके राजबाग चली गई, उनको बच्चों को तो छोड़ के आई वापस, वो रोलिंग करते हुए वो वापस वही पद्म तलाव के सराउंडिंग में आई। बट बाय दैट टाइम वो जो दूसरा तीसरा बच्चा था वो राजबाग के दूसरी तरफ से चक्कर लगा के वहां पहुंच गया जहां पे वो तो दोनों बच्चे बैठे थे। माँ यहाँ ढूंढ रही है, अच्छा माँ इधर से उधर से ला रहा है, और फाइनली बच्चा पहुंच गया वहां पे अपने पास, माँ इधर ढूंढती उसको आधा घंटे तक, फिर अल्टीमेटली वो चली गई वापस वहां पे, बट मुलाकात हो गई। और ऐसी चीजें आम है, ये देखिए ये सामान्य जीवन है, जंगल में बच्चा कहीं इधर उधर आधा एक किलोमीटर इधर उधर चला गया, माँ की रेंज में नहीं है, माँ को सुनाई नहीं दे रहा है, माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, तो माँ आवाज करके तो बुलाएगी, बच्चा भी आवाज देगा भाई कहाँ है। कई बार तो देखा हमने कि पानी के पार माँ कूद के चली गई, बच्चा इसी तरफ रहेगा, बच्चा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कई बार हम टूरिस्ट की गाड़ियां रास्ता ब्लॉक कर लेती है, माँ तो क्रॉस कर गई, बच्चे इधर फंसे रह गए दूसरी तरफ, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। उस परिस्थिति में हमने बच्चों का आवाज करते खूब देखा है, माँ क्रॉस देखते मालूम, ये सब होता है, कोई नई बात। तो ये बात भी सही है कि बच्चे टाइगर के बच्चे अपनी माँ को बुलाते हैं और सावा देते हैं, जब फंस जाते हैं उनको समस्या होती है तो माँ की हेल्प मांगते। ठीक है, और किनारे में बता रहा हूँ जिप्सियां जब खड़ी होती है, अगर बच्चे इस तरफ रहेंगे उनको स्पेस नहीं मिल रही जाने की, तो बच्चे आवाज देकर बुलाते हैं माँ को। हमने जो सीखा है जंगल में गए हैं, जंगल से ही सीखा, केवल छोटी मोटी हमारी गाइड ट्रेनिंग के दौरान जो क्लासेस लगती है महीने 15 दिन की, हमने सिर्फ उस ट्रेनिंग के दौरान हमको कुछ सिखाया गया था, बाकी जो सीखा है जो सब जंगल से सीखा है, जंगल में जाने को सीखा है, जानवरों ने खुद बताया कि हम ऐसे रहते हैं, हमने किसी किताब से नहीं सीखा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस तरह कहूँ, टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो टाइगर 1.5 साल से नीचे है उसे कब कह सकते हैं? Definitely. और सब अडल्ट टाइगर अगर 2 से 3 साल की उम्र के बीच में है तो उनको सब अडल्ट टाइगर कह सकते हैं। सेपरेट हो गया है, बट अगले 1 साल तक वो सब अडल्ट ही कहलाएगा। ये जो टाइगर है सब अडल्ट है, इनकी परसेप्शन ऐसे है कि ये टाइगर जो है सब अडल्ट टाइगर है और ये डियर की आवाज निकाल रहा है। टाइगर जब तक माँ के साथ है वो सब एडल्ट कैसे हो सकता है? आज तक इतने सालों में किसी ने भी टाइगर को इस तरह मिमिक करते हुए कभी नहीं देखा? संभव है। मैंने भारत के अनेक नेशनल पार्क देखे और ऐसा कोई नेशनल पार्क नहीं जहाँ मैं गया हूँ मैंने टाइगर नहीं देखा। मैं जहाँ गया हूँ मैं बिना टाइगर देखे नहीं लौटा हूँ। ठीक है, ये जो है ना ये सब अफवाहें हैं, अभी अफवाह लोग उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रामक खबरें पहले चलती थी। क्या आपने आज तक कभी सुना या कभी देखा एक भालू इंसान को पत्थर मारते हुए या भालू पत्थर लेके इंसानों पे मारता है, कभी आपने सुना है या कभी देखा? ये जरूर सुना है मैंने, गांव वाले कहते थे, देखा नहीं मैंने कि भालू जो है तेंदू के पेड़ पे पत्थर उठा के मारता है जिससे पेड़ में वाइब्रेशन हो और पके हुए फल नीचे गिर जाए, ये गांव वाले कहते हैं, मैंने देखा नहीं। हाँ, मैंने भालू को तेंदू के पेड़ पे चढ़ते देखा है, तेंदू के पेड़ पे चढ़ के मधुमक्खी खाते देखा है और मधुमक्खी के अलावा उसको फल खाते भी देखा है। अच्छा। ये सब देखा मगर पत्थर मार के पेड़ पे से मैंने उसको कुछ गिराते हुए नहीं देखा है। हाँ, जब दीमक को खाता है तो पत्थरों को अपने पैर से इधर उधर लुढ़काता है और उसके नीचे की दीमक को खा जाता है, चीटियां कर रहा है, ये मैंने सब देखा है। बट पत्थर मार के हाथ से पत्थर उठा के पेड़ में मारना, ये सब किससे कहानियां है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। सो दोस्तों, हमारे साथ मानसिंह जी जुड़ चुके हैं रणथंबोर से। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मानसिंह राजावत है और मैं रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर नेचुरलिस्ट हूँ यानी नेचर गाइड। यहाँ पर जितने टूरिस्ट आते हैं उनको मैं काफी वर्षों से घुमा रहा हूँ और मेरा जन्म ही बिल्कुल जंगल के अंदर ही हुआ है क्योंकि मेरा गांव जंगल के अंदर ही पड़ता है, वहाँ जमीन है और जब से जन्म हुआ तब से मैंने इन जानवरों को बिल्कुल नजदीकी से देखा है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है जंगल के जानवर को देखना, जैसे टाइगर को क्योंकि खेतों पे आ जाते हैं किस प्रकार से उनको वहां से भगाना है, कभी पीपे बजाते हैं कभी चिल्लाते हैं तो टाइगर अपने रास्ते वापस घूम फिर करके वापस अपने जंगल को चला जाता है। मानसिंह जी, स्ट्रेट क्वेश्चन है, सबसे पहले
क्या टाइगर के बच्चे अपनी माँ को बुलाते हैं? बिल्कुल बुलाते हैं। हमारे इंसानों में भी हम अपनी माँ को, जब बच्चे को याद आती है माँ की, या माँ से कहीं दूर हो जाएगा तो बच्चा रोएगा और माँ 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 करेगा तो माँ नजदीक आ जाती है। इसी प्रकार टाइगर का बच्चा भी कभी अगर माँ से बिछड़ जाता है, माँ आगे निकल जाती है, शिकार के लिए चली जाती है और बच्चों को छोड़ के जाती है, तो माँ जब आएगी तो माँ भी रोर करेगी अपने बच्चों को बुला के लिए, और फिर बच्चे भी माँ से बिछड़ जाएंगे तो बच्चे भी चिल्लाएंगे और फिर माँ उनके नजदीक आ जाती है उनकी आवाज को सुनकर। ये पॉसिबल हो सकता है कि टाइगर किसी डियर या सांबा डियर या गाय की मिमिक्री कर सके? आज तक ऐसा नहीं देखा हमने कभी बच्चा या टाइगर किसी भी जानवर की मिमिक्री करता है, कभी टाइगर बच्चा और टाइगर नहीं करता है। ये मेरा अनुभव कह रहा है और मेरे सीनियर साथी भी इस चीज को कहेंगे, क्योंकि हम दोनों टाइम जंगल जाते हैं और सर लगभग एक साल के अंदर 400 या 450 सफारी हम जंगल में बिताते हैं, और जिनमें से लगभग मुझे टाइगर कुछ ज्यादा भी दिखता है, 250 से लगभग 300 बार मैं टाइगर को देख लेता हूँ पूरे साल भर में। तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कभी टाइगर का बच्चा या टाइगर ऐसी कोई मिमिक्री कर रहा है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोग बाग अगर यूट्यूब पे भी डाल देते हैं ऐसे बना करके, तो वो अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ऐसी जी मनगढ़ंत कहानियां बना करके और वो यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिससे लोगों को ये पता चले यार टाइगर या टाइगर का बच्चा मिमिक्री कर रहा है, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब मनगढ़ंत कहानियां, ये फर्जी लोग हैं, ये कुछ देखते नहीं है, ये जंगल नहीं जाते हैं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अपने वक्त पे बेस कर देते हैं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता और आज तक जिबिल महमूद ने ऐसा नहीं सुना। सर आप जरा सोच के देखो, एक टाइगर क्या गाय की आवाज निकाल सकता है? क्योंकि कई बार लोगों ने ऐसे वीडियो में डाले टाइगर गाय की आवाज निकाल रहा है। सर ये हंसने की बात है, कॉमेडी कर रहे हैं वो लोग, कभी आज तक नहीं देखा ऐसा जीवन में। जैसा कि मान सिंह जी बता रहे, 400 से 450 बार जंगल जाते हैं पूरे साल में, जिसमें से 200 से 250 से ऊपर जो है टाइगर ये हर साल देख लेते हैं। इन्होंने आज तक के करियर में कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सफारी करते हुए या जंगल में रहते हुए? सर 2007 से तो मैं कंटिन्यू रेगुलर जंगल में काम कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने बताया ना मेरा जंगल ही बिल्कुल जंगल के नजदीक है, मेरा गांव वहीं का जन्म है और वहां से फादर तो बाद में नौकरी लगे, उससे पहले हम गांव के नजदीक रहते थे और जीवन देखा हमने, हमारे खेत आज भी गांव में है और आज भी हम जमीन को संभालने जाते हैं तो आज भी वहां भालू भी आता है, टाइगर भी आते हैं, लेपर्ड भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि टाइगर का बच्चा कभी गाय की आवाज निकालने का, कभी इंसान की आवाज, कल को ये तो यूं भी कह देंगे कि भाई इंसान की तरह बोल रहा टाइगर। देन मान सिंह जी हमारे साथ हमारी गाड़ी में थे और ये वो साथ सब कुछ देख रहे थे, क्यों मान सिंह जी? बिल्कुल, वो वीडियो में बताऊं आपको कि जब वो बच्चा चिल्ला रहा था, माँ से बिछड़ गया था 2-3 दिन से, और 2-3 दिन माँ जब कहके जाती है तो यही रहना और माँ नहीं पहुंचती तो बच्चे माँ को याद करते थे, तो बच्चे की आवाज निकाल रहा था सामने बहुत दूर, देखे वीडियो में वो आपको दिखा होगा एक स्पॉटेड डियर का बच्चे चिल्ला रहे हैं जी। इस कारण स्पॉटेड डियर, सामर डियर, टाइगर को या किसी भी प्रीडेटर को देख करके कॉल करेंगे, चिल्लाएंगे अपने साथियों को और अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए स्पॉटेड डियर, चलो स्पॉटेड डियर अलर्ट जब होता है तब इस तरह की आवाज निकालता है, तो क्या टाइगर जानबूझ के इस तरह की आवाज निकालेगा ताकि स्पॉटेड डियर अलर्ट हो जाए? नहीं सर, और स्पॉटेड डियर अपने साथियों के झुंड में रहता है, टाइगर दिखते ही वो उसकी रेंज से दूर जाएंगे हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता और ना तो आज तक सुना। पहले महाशय है जिन्होंने ये वीडियो डाला है ऐसा बना करके, ये गलत कंटेंट है और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मेरा सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों से ये निवेदन है कि ऐसी भ्रांतियों पर ध्यान ना दें, आप प्रत्यक्ष में जाएं जंगल में और देखें कभी टाइगर ऐसी कॉल नहीं करता, सिर्फ अच्छे अच्छे विद्वान जो हमको पढ़ाने आते हैं उन्होंने भी आज तक कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया कि स्पॉटेड डियर, सामर डियर या गाय की वो टाइगर आवाज निकाल सकता है। क्या आपने अपने जंगल के पूरे एक्सपीरियंस में क्या किसी भालू को पत्थर मारते हुए देखा है इंसान पे? नहीं,
भालू को भी कभी पत्थर मारते हुए नहीं देखा, बंदर को जरूर देखा है भालू को कभी नहीं देखा। और भालू क्या है, जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो भालू हमको देख करके भागता, वो भी डरता है, वो मैदान से भागता है, कभी पत्थर नहीं मारता। और मैंने आज तक ना कभी जीवन में देखा, क्योंकि लगभग पूरे साल भर के अंदर कम से कम 40-50 बार हम भालू भी देख लेते हैं, जो भालू की रेयर साइटिंग होती है, फिर भी 40-45 बार भालू देख ही जाता है। तो परंतु ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, अगर आप पैदल हैं तो शायद आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके नाखून इतने बड़े हैं कि वो आदमी को फाड़ के रख देगा। So, दोस्तों आज हमारे साथ तीसरे एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, ये भी रणथंभौर से ही है और काफ़ी बहुत ही पुराने नेचुरलिस्ट रह चुके हैं और अभी भी काम करते हैं रणथंभौर में। तो दोस्तों आज सेम सवाल मैं इनसे पूछूंगा, देखते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। शाकिर जी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज। शाकिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम दिया। एंड आप थोड़ी से जल्दी से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या है, मतलब आप कितने टाइम से रणथंभौर में काम करते हो और किस पोस्ट में काम करते हो, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके। सर, मेरा नाम शाकिर अली है और मैं 2006 से एज ए नेशनलिस्ट रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर गाइडिंग का काम कर रहा हूँ। ओके। और मुझे लगभग 18-20 साल वाइल्ड लाइफ का अनुभव है थोड़ा बहुत, ज्यादातर फ्लोरा फाउना और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मोस्टली टाइगर के ऊपर मेन फोकस रहता है, ज्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों का। तो ये मेरा काम है, बर्डिंग एंड फ्लोरा शाकिर भाई, अभी हाल ही में क्या हुआ कि रणथंभौर की रिद्धि की जो वीडियो थी जो हमने निकाली थी इवनिंग राइड में, जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया था और वो बच्चा मुंह से आवाज़ निकाल रहा था और किसी सज्जन ने उस वीडियो को देख के बोला कि टाइगर डियर की आवाज़ निकालता है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है किसी भी एंगल से, क्या किसी भी टाइगर को मिमिक्री कर सकता है, स्पॉटेड डियर, सांबा डियर या गाय की आवाज़ तक निकाल सकता है क्या? नहीं, मैंने मेरी जो पूरी लाइफ है वाइल्ड लाइफ में जो मेरा अनुभव है उसमें तो मैंने कभी टाइगर को किसी अदर एनिमल की मिमिक्री करते हुए कभी सुना भी नहीं। और कभी कभी जो बच्चे माँ से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो बच्चे जरूर माँ को कॉलिंग करने के लिए वो एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालते, तो वो ऐसा लगता है शायद स्पॉटेड डियर की कॉल है, लोग वाग सोचते होंगे, बट वो स्पॉटेड डियर की ना तो मिमिक्री कर सकता है, ना सामर डियर की कर सकता है, ना गाय की कर सकता है। टाइगर को कभी हमने मिमिक्री करते हुए वाइल्ड के अंदर कभी देखा ही नहीं है, ये असंभव है। और ये जिसने भी अगर बोला है तो वो उसने शायद बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन कर लिया होगा टाइगर के ऊपर, लेकिन हमारे अनुसार ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये नेवर कभी नहीं हुआ सर ऐसा, और ना होगा कभी ऐसा, क्योंकि टाइगर तो टाइगर है, वो मिमिक्री क्यों करेगा, मतलब उसके नेचुरल बिहेव में नहीं है, उसने नेचुरल ने उसको मिमिक्री करने के लिए बनाया नहीं, उसका जो नेचुरल खुद की जो आवाज है वो उसे ही निकालेगा, दूसरे एनिमल को क्यों निकालेगा। मतलब स्ट्रॉन्गली कंडम करता हूँ, खारिज करता हूँ कि जो किसने कहा है बिल्कुल गलत कहा। और दूसरी चीज जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कब्स मदर को बुलाते हैं, कब्स जो बच्चे हैं वो अपने माँ टाइगर को बुलाते हैं क्या, कॉल करते हैं? हाँ, बिल्कुल कॉल करते हैं जब माँ से कभी बिछड़ जाते हैं बच्चे, या जैसे तीन बच्चे हैं दो माँ के साथ बोले एक पीछे रह गया, तो फिर वो जो पीछे वाला बच्चा है वो माँ को मतलब लो फ्रीक्वेंसी के अंदर कॉल करके बुलाता है, ये कभी कभी माँ भी कॉल करके बुला लेती है, ऐसा तो हमने देखा है, बट ऐसा नहीं कि स्पॉटेड डियर सामर डियर मंकी या गाय की तरह अगर कॉल कर रहे हैं, कोई टाइगर कॉल कर रहा है तो बहुत मतलब ये तो हिंदुस्तान का अजीबोगरीब एक जो मैंने अभी एक शॉर्ट क्लिप देखा उसके अंदर एक महानुभव बोल रहे थे कि गाय की मिमिक्री कर लेता है और स्पॉटेड डियर की भी कर लेता है। मैसेज आप जो देना चाहोगे? मेरा मैसेज तो ये है कि ये तो एक मतलब वाइल्ड लाइफ के अंदर एक अलग 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 चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बात करी है, अगर इनके पास अगर कोई स्ट्रॉन्गली प्रूफ हो तो वो हमें सेंड करें, हम भी उसको मतलब स्टडी तो करें क्या है। बाकी ये जो मैथिक है ये तो हमारे हिसाब से मैथिक है, ऐसी मैथिक वाइल्ड लाइफ में रिलीज करना बहुत गलत बात है।